हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, सतर्क तक शिक्षक हो चुके हैं बर्खास्त, क्योंकि उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी निकले। 256 दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो जेल जाने के डर से शिक्षकों को सरकारी नौकरी छोड़ दी और दो ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। वहीं एक बात निकल के और सामने आ रही कि दिव्यांग प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने आँख बंद कर दे दी नियुक्तियाँ। मामला फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का, शिक्षक भर्ती का हर 3 साल में होती है जांच। तो दोस्तों शिक्षक विभाग पर भी एक सवाल उठ रहा है कि उन्होंने कैसे नियुक्ति दे दी, क्या पहले ये दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं जांचे गए। साथ में दोस्तों हर जिले में जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र की पुनः जांच हो रही है, जिन्हें नियुक्ति दी गई है। वहीं हम बात करें शिवपुरी जिले की, तो यहाँ पर भी एक अजीब मामला सामने आया। शिक्षक ने थोड़ा हाथ उठाकर कहा कि मैं हाथों से दिव्यांग हूँ। डॉक्टर ने पूछा पहले कितना हाथ उठता था, तो पूरा हाथ उठा दिया और बताया कि इतना हाथ उठता है। कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि जो ये पदस्थ शिक्षक हैं, इनकी पिथौर में पदस्थापना है। शिक्षक अनिल गुप्ता ने बताया कि उनके हाथ और पैर यानी कूल्हे के पास वाली हड्डी दिव्यांग है और सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। जब उनसे पूछा कि हाथ उठा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आधा ही हाथ उठता है। जब पूछा पहले कितना हाथ उठता था, तो पूरा हाथ उठाकर बोले कि इतना उठ जाता था, लेकिन अब जो है आधा हाथ उठता है। तो कुल मिलाकर ये भी जो है एक संदेह के घेरे में आ गए हैं कि इनका प्रमाण पत्र जो है वो सही है कि नहीं है। ऐसे बहुत से लोग संदेह के घेरे में आ रहे हैं जिनका दिव्यांग प्रमाण पत्र सही है कि नहीं है, और हर एक जिले में जिला चिकित्सालय में पुनः जांच की जा रही है दोस्तों। इससे लाभ ये होगा कि जो वास्तविक दिव्यांग हैं उन्हें उनका हक मिलेगा। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।